देखेंगे दोस्तों कि DGPay से पैसा कैसे निकाले या मिनी स्टेटमेंट कैसे निकाले DGPay से। तो DGPay ऐप पहले हम लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाना है, DGPay करके सर्च करना है। DGPay मेरा अभी ओपन है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है, DGPay को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपना CSC ID मांगेगा। CSC ID देने के बाद आपको पहले मोबाइल नंबर में एक OTP भेजना है। OTP जैसे ही आएगा, अभी OTP आने के बाद इसको सबमिट वेरीफाई OTP करना है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे मंत्रा मर्फो डिवाइस को इससे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर स्कैन करके अपना जो मंत्रा या RD सर्विस या मर्फो RD सर्विस है, उससे आप अपना फिंगर से पहले DGPay को ओपन करना है। DGPay जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पर बैलेंस इनक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट लिखा है। तो हम अगर मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो हम मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बैंक सिलेक्ट करेंगे। बैंक सिलेक्ट करने के बाद मेरा जैसे ही इंडस लैंड बैंक और जिसका भी निकालना है उसका आधार कार्ड नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर स्कैन टू प्रोसीड, इसके बाद फिंगरप्रिंट दबाना है कस्टमर का, फिर आपको मिनी स्टेटमेंट दिख जाएगा। यहाँ पर बैलेंस बता रहा है 1 रुपये है। इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो। तो इस प्रकार हमारा DGPay से मिनी स्टेटमेंट निकाला जाता है। राहुल रिपेयरिंग मोबाइल में